Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के दौर के हीरो हीरोइंस एक से ज्यादा शादियां करते हैं। गुजरे वक्त में महान फिल्म मेकर बी शांताराम ने भी 3 शादियां की थी। पहली शादी की विमल से जब उस लड़की की उम्र मात्र 12 थी और बी शांताराम साहब 20 साल के थे। इस शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए। उसके बाद बी शांताराम की जिंदगी में आई अभिनेत्री जयश्री, इनके साथ इन्होंने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई। मेरे नजदीक लड़ाई के मैदान से भागकर माता के आंचल का साया ढूंढना एक भारत सपूत का कर्तव्य नहीं। अपने देश की आन पर जान देने के बदले उसकी सेवा से जी चुराना वीरता नहीं, वीरता के नाम को बट्टा लगाना है। मैंने अपने माता पिता को जिस काम का वचन दिया था वो पूरा करके ही घर वापस जाऊंगा। बाद में इनका रिश्ता प्यार में तब्दील हुआ और इन दोनों की शादी हो गई। इनकी पहली बीवी विमल जरा पगला सी गई थी, बात बात पे हंसती, बिना बात के रोने लगती और उनसे कहा जाता कि आप शांताराम साहब को छोड़ क्यों नहीं देती, तो अक्सर ये कहती कि कैसे छोड़ दूं, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरा एकमात्र सहारा शांताराम साहब ही हैं। साईचंद। साईचंद नहीं, नमस्ते। क्या? नमस्ते। 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 जयश्री के साथ इनकी शादी हुई और 3 बच्चों का जन्म हुआ, किरण शांताराम, तेजश्री और राजश्री। दोनों ही बीवियों के बच्चे साथ साथ पढ़े लिखे, साथ साथ बड़े हुए। इसी बीच एक और हीरोइन भी शांताराम की जिंदगी में आई, नाम था जिनका विजया देशमुख। शांताराम जी ने उस लड़की का नाम रखा संध्या और बहुत सारी फिल्मों में संध्या जी ने इनका साथ निभाया। अरे ये क्या बाल तो वैसे ही रह गई इधर, कैसा हुनरमंद है तू, चल जल्दी कर साफ कर यहाँ के बाल। जयश्री जी ने संध्या और बी शांताराम की नजदीकियां देख तलाक लेने का फैसला किया। उसके बाद संध्या से बी शांताराम की शादी हुई, पर इस शादी से कोई बच्चे नहीं हुए। यानी कि जमाना कोई भी हो, फिल्म मेकिंग की दुनिया में ऐसी पर्सनालिटीज आई हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार विवाह किया। ऐसी और भी बड़ी जबरदस्त बातें सिर्फ अपेस्ट्री रिपोर्टर पर।